हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी चैनल नवी क्लासेस में। और इस वीडियो के साथ हम स्टार्ट करेंगे अपनी कंप्यूटर की तैयारी, जिसमें किसी भी एग्ज़ाम में अगर आपके कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस आते हैं, छोटे से लेकर के बड़े एग्ज़ाम, स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, या फिर आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर बात करें, तो कंप्यूटर जो है वो मोस्टली सभी में जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है। इसके क्वेश्चंस जो हैं अब हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो हर टाइप के एग्ज़ाम के लिए जो है ये सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। हम सबसे पहले सबसे बेसिक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आपको MCQs ये सारे सॉल्व करवाएंगे, और इसके साथ ही आपको इससे रिलेटेड अगर कुछ इन्फॉर्मेशन होगी तो हर क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और, तो वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से, और मैं बता दूं कि ये फर्स्ट यूनिट आप कह सकते हो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, या बेसिक जो कंप्यूटर है वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और आगे कंटिन्यूसली कोशिश रहेगी कि आपके लिए जो है लेकर के आते रहें। और ये सीरीज़ जो है वो सभी, बिल्कुल सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी, जहाँ पर भी आपका कंप्यूटर पूछा जाएगा। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है कि द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। तो आपके पास चार इसके विकल्प दिए हैं, चार ऑप्शंस हैं कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो आपको इनमें से बताना है कि किस भाषा से हुई है। मैं सही जवाब बता देती हूँ इसका, लैटिन भाषा से। देखिए, लैटिन भाषा का शब्द है कंप्यूटर, कंप्यूटर TARE जिसमें है, उसका मीनिंग होता है टू कैलकुलेट, गणना करना। तो उसी से जो है कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस ग्रुप्ड टुगेदर रिप्रेजेंट एन, कि देखिए इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसेस को आप एक साथ मिलाएंगे तो आपका जो है क्या बनेगा, वो आपको बताना है। तो देखिए, सबकी जो कॉम्बिनेशन है इससे क्या बनता है, हमारा पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनता है। क्योंकि कंप्यूटर को जो है, इन कंप्यूटर किस पर काम करता है, कंप्यूटर इनपुट लेता है, फिर उसको प्रोसेस करता है, फिर जो है आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो हमारा इस ये क्या बन जाएगा, पूरा कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट वन इज़, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फोर मेजर फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। देखिए, आपको चार मेजर कंप्यूटर की जो फंक्शंस हैं, जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है, वो सारे दिए हैं। आपको जो है उनको सही सीरीज में लगाना है कि पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा। तो देखिए, सबसे पहले आप खुद सोच के देखिए, सबसे पहले ये कंप्यूटर है, जब तक हम इसको नहीं बताएंगे इसको क्या कार्य करना है, तब तक ये स्टार्ट नहीं करेगा। तो यूज़र जो है पहले इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से इनपुट देगा कंप्यूटर को, फिर जो है ये क्या करेगा, उस इनपुट पर ये काम करेगा, मतलब उस जो हमने दिया है इसको, उसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेसिंग के बाद जो है ये हमें आउटपुट देगा कुछ, और उस आउटपुट को हम क्या करते हैं, फिर फर्दर अपने यूज़ के लिए स्टोर करते हैं। तो देखिए, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड देन स्टोरेज, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ बढ़ते हैं। इसमें है आपका कि कलेक्टिंग द डेटा एंड कन्वर्टिंग इट इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। देखिए, रॉ डेटा हम कलेक्ट करते हैं और फिर उससे जो है इंफॉर्मेशन हम तैयार करते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, डेटा कलेक्ट करना और उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रोसेसिंग। प्रोसेस करके ही तो हम जो है आउटपुट, यानी कि इन्फॉर्मेशन जो है डेटा से वो तैयार करते हैं। डेटा से इन्फॉर्मेशन जो है किसके बाद तैयार होगी, उसको प्रोसेस करने के बाद। नेक्स्ट है, कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म, कंप्यूटर इनमें से कौन सा जो है ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, तो आप बिल्कुल सही करेंगे। देखिए, इनपुट अभी बताया था मैंने, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग जो है ये कंप्यूटर के फंक्शंस होते हैं, लेकिन थिंकिंग का काम कंप्यूटर नहीं कर सकता, क्योंकि वो क्या है, वो कोई नेचुरल डिवाइस नहीं है, वो मैन मेड डिवाइस है। तो उसमें वो सिर्फ उसी चीज़ पे काम करता है जो हमने उसके अंदर फीड की है, मतलब कि वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हमने उसको प्रोवाइड किए हैं, वो सिर्फ उसी पे काम करता है जो भी है। तो वो खुद की उसकी थिंकिंग नहीं होती, उसका IQ नहीं होता, तो थिंकिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, इनमें से कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता। अगेन,
इजी क्वेश्चन है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन तो ये तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, ये तो सारे कर सकता है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस को तो परफॉर्म कर सकता है, बेक अ केक ये कंप्यूटर नहीं कर पाएगा क्योंकि वो जो है सिर्फ हमारी इंस्ट्रक्शंस पे ही काम करता है। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा, ये बेक अ केक उसका काम नहीं है। पार्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ पार्ट्स ऑर्डर्ड, ये किस चीज़ की पार्ट हैं, किस चीज़ के हिस्से हैं आपके, वो बताने हैं। देखिए जो हमारा सीपीयू होता है, सीपीयू के अंदर आपको पता है एएलयू होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, ये होते हैं। तो इसमें देखिए जो भी हमने इनपुट डाला है उसको पहले क्या करेगा, वो एकदम से वो देखेगा ना कि क्या पहले ऑपरेशन अप्लाई करना है, उसको जो है पार्ट्स में ब्रेक करेगा हमने जो भी डाला है, तब उसको जो है फिर प्रोसेस करेगा। तो ये सब जो है किसके पार्ट हैं, आपके प्रोसेसिंग के पार्ट हैं, प्रोसेसिंग में ये आएगा। पहले उसकी नंबरिंग होगी, पार्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करेगा, नंबर ऑफ पार्ट्स को ऑर्डर करेगा, तो प्रोसेसिंग 7th का 3rd जो है करेक्ट है। बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर इज और आर, कंप्यूटर के क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो आपको बताना है। देखिए कंप्यूटर बहुत फास्ट होता है एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, यस बिल्कुल सही, फास्ट प्रोसेसिंग होती है और डाटा भी काफ़ी स्टोर कर सकता है। नेक्स्ट इज प्रोवाइड एक्यूरेट आउटपुट, ईदर इनपुट इज करेक्ट और नॉट, जी नहीं। देखिए अभी हमने बताया कि कंप्यूटर का खुद का आईक्यू नहीं होता, वो थिंकिंग नहीं कर सकता, तो देखिए वो हम जो भी उसको इनपुट प्रोवाइड करेंगे वो उसी के आधार पर जो है उसको प्रोसेस करेगा और आउटपुट देगा। तो अगर हमने इनपुट गलत डाला है तो आंसर सही कैसे आएगा, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। थिंकिंग अबाउट प्रोसेसिंग, थिंकिंग तक का तो उसका काम है ही नहीं। तो ऐसा ना हो कि आप सीधा ही ऑल ऑफ द अबव कर दे, पहले एक बार ऑप्शंस को आपने देखना है ध्यान से। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 इज करेक्ट कि कंप्यूटर का केवल यही काम है। नेक्स्ट वन इज अ कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड डाटा, जो डाटा अभी प्रोसेस नहीं हुआ है उसको आप क्या बोलते हैं, अनप्रोसेस्ड पूछे या आपको रॉ आइटम्स पूछे, अनप्रोसेस्ड आइटम्स या रॉ आइटम्स की कलेक्शन को आप क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। और जो प्रोसेस के बाद तैयार होता है उसको क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ इनपुट प्रोसेस आउटपुट एंड स्टोरेज एज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो ये तो हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, 10th क्वेश्चन, ये आपको पता है कि कौन सी साइकिल के अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी। मतलब देखिए ये प्रोसेसिंग साइकिल नहीं तो डेटा साइकिल, साइकिल पूछी गई है यहाँ पे जिसके ये सब जो हैं एक पार्ट हैं, तो ये डेटा साइकिल के पार्ट्स हैं सारे। 10th का 5th जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 11th की तरफ बढ़ते हैं, डैश इज द डेटा दैट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड इन अ मीनिंगफुल फैशन। देखिए अनऑर्गेनाइज्ड जो होता है, रॉ होता है, वो तो हम डेटा होता है जो डेटा लेते हैं रॉ आइटम्स, लेकिन उस डेटा को अब आपने ऑर्गेनाइज कर दिया है और उसको अच्छे से आपने जो है अब प्रेजेंट किया है। तो मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, तो वो क्या बन जाएगा आपका, प्रोसेस्ड डेटा इन्फॉर्मेशन। तो 4th वन इसका जो है करेक्ट होगा। 12th क्वेश्चन में पूछा गया है कि डेटा और इन्फॉर्मेशन यूज्ड टू रन द कंप्यूटर। देखिए जो डेटा या जो इन्फॉर्मेशन जो है जिसकी हेल्प से कंप्यूटर आपका रन करेगा, तो वो क्या होता है, कंप्यूटर जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिनको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम्स, उस पर जो है काम करता है। तो इसमें से ये तो नहीं होंगे हार्डवेयर, सीपीयू या पेरिफेरल डिवाइसेस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, नन ऑफ दीज, क्योंकि इसमें उसकी बात कही ही नहीं गई है जिससे मतलब जिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे मतलब प्रोग्राम्स के बेसिस पे कंप्यूटर आपका काम करेगा। द स्टेप्स एंड टास्क नीडेड टू प्रोसेस डेटा सच एज रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चंस और क्लिकिंग एन आइकन। आप किसी भी आइकन पर क्लिक करते हैं, जो भी मतलब स्टेप्स होते हैं, जो भी टास्क परफॉर्म होती हैं उसको करने के लिए, उसको आप क्या कहेंगे। देखिए पिछले क्वेश्चन में जो है ये ऑप्शन नहीं दिया गया था, अभी मैंने आपको बताया वो किस पे काम करता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है। तो और उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को अगर प्रोग्राम दिया होता तो हम प्रोग्राम लगाते यहाँ पे। अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइसेस, सबसे पहले जो आया वो कैलकुलेटिंग डिवाइस आपसे पूछा गया है, तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी नोइंग करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, अबेकस। अगर नहीं तो अब जान जाएंगे, सबसे पहले जो है
कैलकुलेशन जो होती थी वो अबेकस की हेल्प से करते थे। अबेकस की इन्वेंशन जो हुई थी वो भी आप याद रखिएगा 1602 में हुई थी, 1602 में, और इसके इन्वेंटर्स कौन थे? चाइनीज़ थे, तो चाइना में इसकी इन्वेंशन हुई। आगे करते हैं अगला क्वेश्चन, अबेकस कैन परफॉर्म, तो अबेकस क्या क्या फंक्शन जो है परफॉर्म कर सकता है आपको ये बताना है इसमें। तो एडिशन भी कर सकता है, सब्ट्रैक्शन भी कर सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकता है, तो बहुत सॉरी मल्टीप्लिकेशन एबेकस में आप नहीं कर सकते, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये दोनों हो सकती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत 1 and 2। द नेपियर्स टेक्नोलॉजी यूज फॉर कैलकुलेशन इज कॉल्ड, देखिए जो नेपियर की टेक्नोलॉजी है उसको क्या नाम दिया गया है वो आपको बताना है। तो इसमें नाम के हिसाब से आप मत जाना नेपियर की टेक्नोलॉजी को, कहीं आप नेप्टोलॉजिया बोल दें। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? रेबडोलोजिया। रेबडोलोजिया जो है वो नेपियर की टेक्नोलॉजी को बोला गया है, ये आप याद रखिएगा। पैस्कलीन, पैस्कलीन मतलब पास्कल से ये वर्ड आया है, जैसे नेपियर ने की टेक्नोलॉजी को यहाँ पर ये बोला गया है, तो पास्कल की को क्या बोला गया है? पैस्कलीन। तो पेस्कलीन इज़ ऑल्सो नोन एज, पेस्कलीन जो है उसको और क्या बोलते हैं? तो इसका जो सही जवाब है आपका वो है एडिंग मशीन, उसको एडिंग मशीन भी बोला जाता है। पंच्ड कार्ड्स जो हैं वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, इनको इंट्रोड्यूस करवाने वाले जो थे उनका नाम आपको बताना है। तो जैकर्ड जो है उन्होंने जो है पंच्ड कार्ड्स को इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट टाइम के लिए। नेक्स्ट वन इज पंच्ड कार्ड इज ऑल्सो कॉल्ड, पंच्ड कार्ड को और क्या बोला जाता है? तो देखिए 19th में जो है आपका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसमें इसको पंच्ड कार्ड्स को आपका हॉलरिथ कार्ड बोला जाता है। तो देखिए यहाँ से आप देखिए कंफ्यूज नहीं होंगे, अभी ऑप्शंस जो है कई बार ऐसे एग्जाम में कर देते हैं एग्जामिनर, तो कोड्स जो हैं वो यहाँ पर करेक्ट दिए हैं। तो देखिए इसमें हॉलरिथ कार्ड जो है वो किस ऑप्शन में आएगा? ऑप्शन थर्ड में, ऑप्शन थर्ड का ए करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर, तो वेरी इजी क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा बार ये रिपीट होने वाला बहुत आसान क्वेश्चन आपका है। तो इसमें जो है चार्ल्स बेबेज को आपको कंप्यूटर का फादर बोला जाता है, और फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर की अगर बात करें तो एलन ट्यूरिंग को बोला जाता है। देखिए खाली आपसे फादर पूछा जाएगा कंप्यूटर का तो आप चार्ल्स बेबेज लगाएंगे, और अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है तो आपने एलन ट्यूरिंग का नाम याद रखना है। 21st का सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 22nd क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनालिटिकल इंजन जो है उसकी डिस्कवरी किसने की, किसने उसको डेवलप किया, ये आपसे पूछा गया है। तो ये भी ये किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। और देखिए एक इम्पॉर्टेंट नाम और आ रहा है यहाँ पर, डेनिस रिच का। तो इन्होंने जो है आपने सी लैंग्वेज अगर पढ़ी है तो सबसे पहले इनका नाम पढ़ा होगा, डेनिस रिच ने डेवलप की थी। लेकिन आगे जब हम जैसे जैसे सेट्स का लेवल बढ़ाते जाएंगे तो वो चीज़ें भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इस क्वेश्चन का जो एनालिटिकल इंजन जो है ये किसने डेवलप किया, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट वन इज़ एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड डैश एज अ मेमोरी यूनिट, मतलब किस चीज़ में जो है मेमोरी यूनिट के रूप में आपके किस को इनमें से यूज़ किया गया आपको वो बताना है जब फर्स्ट जनरेशन। देखिए अब तक जो है कंप्यूटर की अगर जनरेशन्स की मैं बात करूं तो आपकी 5 जनरेशन जो है आपकी आ चुकी हैं, तो 5th जनरेशन, और जो फर्स्ट जनरेशन थी, फर्स्ट जनरेशन आपकी 1940 से लेकर के 1956 तक चली। और आपको याद होगा जब उसमें जो है वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ होता था, तो उस टाइम आपको बताना है कि इसमें आपका मेमोरी यूनिट के तौर पर किसे यूज़ किया जाता था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में। तो उस टाइम होते थे आपके काउंटर व्हील्स, तो 4th ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा 23rd का। और फर्स्ट जनरेशन मैंने आपको और भी क्या याद रखना है आपको, कौन से आपके स्विचिंग डिवाइसेस होते थे इसमें फर्स्ट जनरेशन में? वैक्यूम ट्यूब्स होती थी, और फर्स्ट जनरेशन 1940 से लेकर 56 तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 24th क्वेश्चन पे हम आ गए हैं।
तो इसमें आपसे पूछा गया है कि द टेबुलेटिंग मशीन वॉज फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल मशीन डेवलप्ड बाय, देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन तो क्वेश्चन में से ही बन जाता है कि फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन जो थी वो कौन सी थी, टेबुलेटिंग मशीन। तो वो टेबुलेटिंग मशीन वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन और उसके डिस्कवरर का नाम आपसे पूछा गया है, तो उसके डिस्कवरर कौन है, हरमन हॉलरिथ, डॉक्टर हरमन हॉलरिथ जो हैं उन्होंने टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार किया था 24th का फर्स्ट। हु अमंग द फॉलोइंग क्रिएटेड इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, देखिए कई बार इसकी एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है EDVAC की, तो ई से इलेक्ट्रॉनिक, डी से डिस्क्रीट, वी फॉर वेरिएबल, ए से ऑटोमेटिक एंड सी से कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर विद अ मेमोरी टू होल्ड बोथ अ स्टोरेज प्रोग्राम एज वेल एज डेटा, तो किसने इसकी डिस्कवरी की थी तो वो आपको बताना है। तो 25th का जो है आपका जॉन वॉन न्यूमैन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड्स स्टोरेजेस, देखिए जिसमें स्टोरेज का ऑप्शन दिया गया, स्टोरेज जिसमें अलाउड थी, तो वो आपसे पूछा गया है, तो वो फर्स्ट कंप्यूटर आपने बताना है वो कौन सा है, वो है आपका EDSIC, EDSIC, ऑप्शन नंबर 1 जो है 26th का वो आपका करेक्ट आंसर है। 27th की तरफ बढ़ते हैं, नेम द फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, सबसे पहले देखिए फर्स्ट में पूछा गया था विच प्रोवाइड स्टोरेज, तो उसका EDSIC था। अब पूछा गया है कि फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आपका कौन सा है, तो ये है यूनिवेक, आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट है। 28th क्वेश्चन है, कंप्यूटर साइज वॉज वेरी लार्ज इन, देखिए इसमें वैसे तो अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग पे जोर देंगे तो इसका आंसर करेक्ट आप कर सकते हैं, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो 4th जनरेशन तक की बात की गई है यहाँ पे, कि कंप्यूटर साइज जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ में से किस में सबसे ज़्यादा बड़ा होता था। तो देखिए सबसे पहले आगे जो डिवाइसेस आते गए वो और भी कॉम्पैक्ट साइज़ के होते गए, तो पहले बहुत बहुत बड़े होते थे, इवन एक आप रूम में जो है पूरा रूम वो कवर कर लेता है, इतना बड़े बड़े साइज़ के थे। फिर आगे चलते गए तो छोटे छोटे करके मतलब जो है उनको कॉम्पैक्ट साइज़ का कर दिया गया, तो फर्स्ट जनरेशन में जो है कंप्यूटर का साइज़ जो है बहुत बड़ा था, ऑप्शन 1 जो है आपका करेक्ट होगा। और अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स किस चीज़ पे बेस्ड थे, ये तो मैंने आपको पहले ही वहाँ पे जब बताया था फर्स्ट जनरेशन बताया है जो कि 1940 से लेकर 1956 है, तो वो किस चीज़ पे बेस्ड थे, वो आपके बेस्ड थे वैक्यूम ट्यूब्स पे। और रिवीजन के लिए एक बार और बता दूँ, और वहाँ पे जो मेमोरी यूनिट के लिए कौन से डिवाइस यूज़ करते थे, काउंटर व्हील्स ट्यूब का यूज़ होता था। कंप्यूटर बिल्ट बिफोर द फर्स्ट जनरेशन, मतलब 1940 से पहले, फर्स्ट जनरेशन से पहले जो कंप्यूटर बना, इट वॉज आपको बताना है मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, आपको बताना है कि वो कैसा था, वो किस टाइप का था। तो आपके पास 4 विकल्प हैं, आप थोड़ा सोचें और बताएं इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, वैसे इलेक्ट्रोमैकेनिकल। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से पहले बनने वाले कंप्यूटर कैसे थे, इलेक्ट्रोमैकेनिकल। 31st की तरफ चलते हैं, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज डैश लैंग्वेज, तो देखिए उनमें किस टाइप की लैंग्वेज जो है यूज़ होती थी, आपने मशीन लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, इनके बारे में पढ़ा होगा। तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो जो क्या यूज़ करते थे, मशीन लैंग्वेज। 31st का फर्स्ट जो है करेक्ट है। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की जब आई तो वो किस ईयर से किस ईयर में आई, तो देखिए 1940 से लेके 56 तक तो आपकी फर्स्ट जनरेशन थी, तो उसके जस्ट बाद जो आई वो आपकी सेकेंड जनरेशन है 1950, आपकी जो 7 से लेके आप 62 बोलेंगे, इसमें कई बार 1956 से 63 का भी ऑप्शन दे देता है, तो वो तो है नहीं, तो आपका जो है थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसमें जो आपके कंप्यूटर आए थे वो उसकी किस डिवाइस पे बेस्ड थे, वो थे आपके ट्रांजिस्टर्स पे। तो ट्रांजिस्टर्स आप जो है सेकंड जनरेशन के साथ ज़रूर याद रखना, सेकंड जनरेशन जो कंप्यूटर आए थे, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आता है, और वो जो है सेमीकंडक्टर्स से वो ट्रांजिस्टर्स आपके बनते थे। 32 तक हो गई हैं आई थिंक, 33rd क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
इसमें आपसे पूछा गया है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स करैक्टराइज लार्जली बाय द यूज़ ऑफ, अभी आपको मैंने बताया है कि जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स थे वो किस पे बेस्ड थे, ट्रांजिस्टर्स पे, और वो ट्रांजिस्टर्स किससे बनते थे, सेमीकंडक्टर्स से। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, देखिए स्पीड जैसे जैसे जो है कंप्यूटर की न्यू जनरेशन्स आती गई तो स्पीड जो है वो बहुत बढ़ती गई, लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे उनकी स्पीड जो है काफ़ी कम थी, और वो किस में मापी जा सकती थी आपकी, मिली सेकेंड्स में। तो ऑप्शन सेकेंड जो है आपका 34th का वो करेक्ट है। फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर्स थे उनकी स्पीड मिली सेकेंड्स के अंदर थी। टाइम शेयरिंग बिकेम पॉसिबल इन द डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। टाइम शेयरिंग जो है, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम अगर पढ़ा होगा तो भी आपको थोड़ा सा उसका आइडिया होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आगे, मैंने आपको पहले भी बताया है, आगे डिस्कस करेंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो जो टाइम शेयरिंग होती है बिटवीन द इवेंट्स, तो जो भी आप उस जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, इट बिकेम पॉसिबल इन विच जनरेशन, टाइम शेयरिंग जो है वो किस जनरेशन से शुरू हुई, तो वो आपके ट्रांजिस्टर वाली जो जनरेशन थी, सेकेंड जनरेशन, उसी से स्टार्ट हुई। थर्ड जनरेशन जो है आपको बताना है वो कब से कब आई, तो देखिए 1963 तक तो आपकी सेकेंड जनरेशन चली, फिर 1964 से लेकर के 71 तक जो है आपकी नेक्स्ट जनरेशन आई थी, कौन सी आपकी, थर्ड जनरेशन। तो देखिए इसमें करेक्ट आपको 64 ना देखे आप, मतलब 63 तक जो है आपकी सेकेंड जनरेशन चली थी, तो आप 63 से ही स्टार्ट करके बोल सकते हैं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होएगा वो आपका हो जाएगा 36 का सेकेंड ऑप्शन। तो कई बार जो है एक ईयर ऊपर नीचे करके ऐसे इस तरीके से दे देता है, कई बार उसका आपके बीच का टाइम दे देता है, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है इस टाइप के क्वेश्चंस में। 36 का जो है आपका ये उसी के बीच में आएगा आपका 63, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1963 टू 1972। वैसे तो 72 में जो हाँ आपकी नेक्स्ट जो लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं वो भी आ गए थे, फोर्थ जनरेशन स्टार्ट हो गई थी, लेकिन इनमें से जो है आपका वो करेक्ट आंसर यही होगा, सेकंड ऑप्शन 36 का आपका सेकंड करेक्ट होगा। 37th की तरफ चलते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट्स और ICs जो हैं वर स्टार्टेड टू बी यूज फ्रॉम विच जनरेशन, तो देखिए हम आपके साथ दो जनरेशन की ऑलरेडी बात कर चुके हैं, अब आपसे पूछा गया है कि IC जो है वो किस जनरेशन में आई, तो वो आपकी थर्ड जनरेशन अब आपकी स्टार्ट हुई, जो कि आपकी 1963 के बाद हुई थी स्टार्ट। तो थर्ड जनरेशन में जो है इंटीग्रेटेड सर्किट्स IC का यूज़ हुआ, और एक ये भी होता है कि इंटीग्रेटेड जो सर्किट्स है, ICs जो चिप है वो किस से बनी होती है, चलो आगे क्वेश्चन आएगा उसमें बताती हूँ मैं आपको। ये चिप इज़ अ कॉमन निक नेम फॉर, चिप किसके लिए नाम दिया गया है, तो इसमें जो है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट्स को, IC चिप्स आप बोलते हो, तो इंटीग्रेटेड सर्किट को जो है नाम दिया गया है चिप का, इसका मतलब आप निक नेम कह सकते हैं। 38th का आपका थर्ड जो है करेक्ट होगा। 39th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि IC और जो चिप्स है वो इन कंप्यूटर आर मेड विद, वो किस से बनी होती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका वो बनी होती हैं सिलिकॉन से, सिलिकॉन की चिप्स का यूज़ होता है। अगला है हु डेवलप्ड इंटीग्रेटेड चिप, तो इंटीग्रेटेड सर्किट बोले या इंटीग्रेटेड चिप बोले, तो इसकी डिस्कवरी आपकी किसने की, तो इसमें आपका 40th का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, JS किल्बी ने की थी, थर्ड जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब IC के बारे में मैंने क्या बताया है, ICs इंट्रोड्यूस कब हुई, ये मतलब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में यूज़ हुई 1963 के बाद, और इसमें सिलिकॉन से ये बनी होती थी, और IC जो चिप है इसके आविष्कारक कौन है, JS किल्बी हैं। 41st क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ कम्प्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विद ट्रांजिस्टर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑन अ स्मॉल सिलिकॉन चिप इज कॉल्ड, देखिए इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि एक पूरा ही कम्प्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जिसमें ट्रांजिस्टर होता है और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भी होते हैं और एक छोटी सी
सिलिकॉन की चिप के ऊपर होते हैं उसको क्या बोलते हैं आपके, अभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं ये, इसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट बोलेंगे, आईसी आपका 41 का फोर्थ जो है करेक्ट है। पीसीज पर्सनल कंप्यूटर्स जो है आपके, दीज आर कंसीडर्ड फोर्थ जनरेशन। तो फोर्थ जनरेशन आपकी कब से स्टार्ट हुई, आपकी 1971 से कह सकते हो, 1971 से और अब तक भी चल रही है, जबकि अब जो है हमारे सुपर लार्ज स्केल आईसीज भी जो हैं वो हैं अंडर डेवलपमेंट, लेकिन लार्ज स्केल जो आईसीज थे वो फोर्थ जनरेशन में आपके आ गई 1971 से और अब तक भी चल रही हैं। तो पीसीज आर कंसीडर्ड एज फोर्थ जनरेशन, और इसमें क्या होता है, इसमें आपके क्या है, ये किस पे बेस्ड है, माइक्रो प्रोसेसर्स पे। तो फोर्थ जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का। तो फोर्थ जनरेशन में कई बार आपसे डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है तो किस स्विचिंग डिवाइस का यूज़ हुआ है, माइक्रो प्रोसेसर्स का। फिफ्थ जनरेशन जो कंप्यूटर्स हैं दे डू नॉट हैव व्हाट, स्पीच रिकॉग्निशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या वैक्यूम ट्यूब्स। तो देखिए इस क्वेश्चन में आप स्पीच रिकॉग्निशन पे तो वो काम करेंगे क्योंकि वो तो बहुत ही आपके सुपर कंप्यूटर्स जो होंगे, सुपर लार्ज स्केल कंप्यूटर्स इसमें आएंगे आपके फिफ्थ जनरेशन में, जो कि प्रेजेंट एंड बियॉन्ड जो चलेगी। तो इसमें स्पीच रिकॉग्निशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वेरी लार्ज स्केल तो है ही, ये इसके फीचर्स हैं। वैक्यूम ट्यूब इसका फीचर नहीं है, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब तो बहुत पहले फर्स्ट जनरेशन में यूज़ हुआ करती थी। 44th क्वेश्चन में जो है आपको मैच के लिए बोला गया है, तो कि कौन सा मैच करेक्ट है। देखिए अब तक आप बहुत कर चुके हैं तो आप जो है मेरा आंसर बताने से पहले खुद करेक्ट आंसर गैस कीजिएगा, मैं आपको 2 सेकंड देती हूँ। देखिए फर्स्ट जनरेशन जो है, आप जब भी एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करें तो कई बार क्या होता है कि गलती में जल्दबाजी में कोई गलत आंसर करेक्ट कर जाते हैं, टिक कर जाते हैं। तो देखिए पहले आप यहाँ पर मैच कर लें, फर्स्ट जनरेशन आपकी किस पे बेस्ड थी, वैक्यूम ट्यूब्स पे। सेकंड जनरेशन जो आई थी उसमें आपका क्या यूज़ होते थे, ट्रांजिस्टर्स। थर्ड जो जनरेशन है उसमें आईसी चिप्स आई, और फोर्थ जनरेशन जो है इसमें माइक्रो प्रोसेस, वेरी लार्ज स्केल जो है आपके इसमें यूज़ हुए। तो इसका करेक्ट आंसर ए का आपका बन रहा है थर्ड, बी का आपका बन रहा है फर्स्ट, थर्ड फर्स्ट, तो सेकंड और थर्ड में से कोई ऑप्शन होगा, फिर सी को चेक करेंगे तो फोर्थ, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। 45th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, स्मॉल एंड चीप कंप्यूटर्स बिल्ट इनटू सेवरल होम अप्लायंसेस आर मेड अप ऑफ व्हिच टाइप। कि जो सस्ते आप कंप्यूटर्स जो मतलब कि आप घर पे यूज़ करने के लिए भी लेकर के आते हैं, जो कम रेट के पड़ते हैं और साइज़ भी थोड़ा छोटा ही होता है, तो वो किस टाइप के हैं। तो देखिए साइज़ भी बेस्ड आपके मिनी, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर्स ये सारे होते हैं। तो आपको बताएं जो घरों में यूज़ करते हैं तो वो कौन से होंगे, आपके माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं, ऑप्शन नंबर 3 जो है 45th का वो आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 46th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर्स जो पीसीज हैं या डेस्कटॉप आपके, उनको आप क्या बोलेंगे 46th में। तो देखिए घर पे यही तो हम यूज़ करते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स बोलेंगे। कंप्यूटर्स दैट आर पोर्टेबल एंड कन्वीनियंट टू यूज़ फॉर ट्रैवलर्स, फॉर यूजर्स हु ट्रैवल, तो उन कंप्यूटर्स को क्या बोलेंगे जो आप इजीली जो है ट्रैवलिंग में भी लेकर के जा सकते हो, तो वो होते हैं आपके लैपटॉप। उसका नाम ही इसलिए ऐसे पड़ा है कि आप उसको अपनी लैप में रख के, मतलब गोद में रख के आप काम कर सकते हैं, आप जहाँ पे भी जा रहे हैं उसे आप कैरी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस अ हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से किस में यूज़ होता है 48th में। तो ऑप्शन है आपके पास सुपर कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप। देखिए इसमें तो आपका हैंडहेल्ड यूज़ नहीं होता, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इनबिल्ट होता है। फिर लास्ट ऑप्शन है आपका पीडीए, तो इस यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाम टॉप कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज, पाम टॉप मतलब जिसको आप अपनी हथेली पर भी रख सकते हैं, मतलब इस साइज़ का, तो उसको हम पाम टॉप कंप्यूटर को और क्या बोलेंगे, हैंडहेल्ड कंप्यूटर, जिसको आप इजीली आप हैंडल कर सकते हैं और अपनी आप पाम पर भी उसको हैंडल कर सकते हैं, आप रख सकते हैं।
तो 49th का आपका करेक्ट हुआ फोर्थ. अब चलते हैं 50th की तरफ. इसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर डिजाइंड टू बी यूज्ड बाय 1 पर्सन एट ए टाइम, कि जिसको एक पर्सन ही यूज़ कर सकता है, मतलब मल्टी प्रोसेसिंग नहीं हो सकती. एक माइक्रो प्रोसेसर है और जिसमें जो है मल्टी यूज़र, मतलब उसको यूज़ नहीं कर सकते. तो इसमें मतलब आपको बताना है कि एक ही पर्सन एक टाइम पे यूज़ कर सके उसको आप क्या बोलेंगे. तो वो आपका होता है पर्सनल कंप्यूटर, पीसी आपका होता है. 51st जो है क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ़ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ टर्म पीसीज. पर्सनल कंप्यूटर्स जो हैं उसमें इसका इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स फॉर ऑल वर्किंग स्टाफ को हम पीसी बोलेंगे. चलो अगला ऑप्शन भी देखते हैं. पर्सनल कंप्यूटर्स, यस पीसी पर्सनल कंप्यूटर तो होते ही हैं. वाइडली अवेलेबल टू इंडिविजुअल वर्कर्स विद विच दे कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम लेयर सिस्टम एंड इंक्रीज देयर पर्सनल प्रोडक्टिविटी. तो पर्सनल यूज़ के लिए जो है पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, ये आपका सही है. आगे भी देख लेते हैं एक बार ऑप्शंस. पैक्ड कंप्यूटर सिस्टम फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग वेरियस टर्मिनल्स नो कंप्यूटर मैन्युफैक्चर्ड बाय पेंटियम कंपनी. ऐसा तो कुछ है नहीं कि किसी स्पेशल कंपनी को ही आप जो है पीसी बोलेंगे. तो देखिए इसमें आपका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका करेक्ट हो जाएगा पीसीज के रिगार्डिंग. क्वेश्चन नंबर 52nd की तरफ चलते हैं. डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स, टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स जो हैं ये आपके किस टाइप के अंदर आते हैं. देखिए वैसे तो हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप थोड़े से भी अलर्ट थे तो आप इसका जवाब देंगे मेरे बिना बताएं. अभी हम डिस्कस कर रहे थे उन कंप्यूटर्स की जिनको आप पर्सनल लेवल पर यूज़ करते हैं, तो उन्हीं के ये हैं पर्सनल लेवल वाले ही हैं सारे एग्जांपल. और ये क्या होते हैं आपके माइक्रो कंप्यूटर्स. 52nd का जो है आपका थर्ड जो करेक्ट आंसर हो जाएगा. 53rd में देखते हैं क्या है. इन द कंटेक्सट ऑफ डिजिटल कंप्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डिजिट इज रेफर टू एज बाइनरी कोड. देखिए हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो बाइनरी डिजिट्स पर काम करता है. जो भी हम इनपुट डालते हैं वो उसको बाइनरी डिजिट्स में, आपने पढ़ा होगा कि वो उसको कन्वर्ट कर देता है और उसी के हिसाब से उसकी जो है प्रोसेसिंग होती है. तो इसमें आपसे पूछा गया है कि बाइनरी डिजिट वो कौन से होते हैं. तो बहुत आसान है, 0 और 1 जो है वो बाइनरी डिजिट होते हैं. आप कुछ भी लिखिए वो उसको जो है आप जो भी टाइप करेंगे उसको 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, बाइनरी डिजिट्स की फॉर्म में. नेक्स्ट है 54th क्वेश्चन आपका. इसमें अ सेंट्रल कंप्यूटर दैट होल्ड्स कलेक्शन ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम्स फॉर मेनी पीसीज वर्कस्टेशंस एंड अदर कंप्यूटर्स. तो उस सेंट्रल कंप्यूटर को आप क्या कहेंगे जिसमें बहुत सारा आपका डेटा है, प्रोग्राम्स हैं बहुत सारे पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए, वर्क स्टेशंस के लिए या दूसरे कंप्यूटर्स के लिए. तो इस टाइप के कंप्यूटर को आप क्या कहेंगे, इस टाइप के हम कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, सर्वर. कई बार आप देखते हो कि आप कभी कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हो या रिजल्ट देखते हो तो आपको आप बोलते हो कि सर्वर बिजी है, अभी शो नहीं हो रहा है. तो सर्वर, तो वो सर्वर, वो सेंट्रल कंप्यूटर को सर्वर बोला जाता है. फर्स्ट मिनी कंप्यूटर कब आया, फर्स्ट मिनी कंप्यूटर वॉज कौन सा था आपका पहला मिनी कंप्यूटर, उसका नाम आपको बताना है. तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में पहले अलग अलग एग्जाम्स में आपके पूछे जा चुके हैं, तो पॉसिबिलिटी आपकी बहुत बढ़ जाती है इन क्वेश्चंस की. तो PDP-8 जो है वो आपका फर्स्ट मिनी कंप्यूटर था. अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली कॉस्टलियर, इनमें से सबसे ज़्यादा महंगा आपके को क्या पड़ेगा, सर्वर, नोटबुक कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर आपका मेन फ्रेम. इसमें से सबसे महंगा आपको क्या पड़ेगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आपको महंगे पड़ेंगे. नेक्स्ट वन इज 57th क्वेश्चन. द यूज़र जनरली अप्लाइज डैश टू एक्सेस मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर. तो यूज़र जो है वो क्या अप्लाई करता है, अगर उसे सुपर कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर से एक्सेस चाहिए है, उसको जुड़ना है, तो वो क्या यूज़ करता है, तो वो यूज़ करता है नोड्स का. तो 57th का आपका करेक्ट आंसर क्या है, नोड से जो है कनेक्ट होता है. फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया
इंडिया का पहला कंप्यूटर आपसे पूछा गया है तो वो आपको बताना है। देखिए सुपर कंप्यूटर नहीं, यहाँ पर सिर्फ कंप्यूटर बोला गया है, तो आप सीधा ध्यान से करेक्ट करिए इसको, ऑप्शन को देखिएगा। तो सिद्धार्थ जो है वो आपका पहला कंप्यूटर है, 58th का सेकंड जो है आपका करेक्ट आंसर है, सिद्धार्थ जो है इंडिया का फर्स्ट कंप्यूटर है। वेयर वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर इन इंडिया इंस्टॉल्ड, और ये इंस्टॉल कहाँ हुआ था ये भी आपसे पूछा गया है, तो ये आपका जो है इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो कि कोलकाता में है आपका, वहाँ पर जो है फर्स्ट कंप्यूटर को आपके इंस्टॉल किया गया था, इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI कोलकाता। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो डेवलप हुआ, देखिए अभी आ गया, मैंने आपको यही यहाँ पर बोला था 58th क्वेश्चन में कि आप सुपर कंप्यूटर में और आप इसमें कंफ्यूज आपने नहीं होना है। तो अब आपसे सुपर कंप्यूटर पूछा गया है, तो सुपर कंप्यूटर पहला कौन सा था हमारे देश का, तो वो था आपका परम। परम पहला सुपर कंप्यूटर था, और आपको ऑप्शंस में देखिए यहाँ पर दोनों ऐसे डाले गए थे कंफ्यूज करने के लिए। तो पहला कंप्यूटर अगर पूछा जाए तो सिद्धार्थ, और पहला सुपर कंप्यूटर अगर पूछा जाए तो परम इसका करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला क्वेश्चन है 61st क्वेश्चन आपका, इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रत्यूष जो है इज डैश फास्टेस्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, आपको बताना है इसकी रैंकिंग क्या है वर्ल्ड में, कितना फास्ट है या ये आपका। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ फास्टेस्ट कंप्यूटर जो है आपका सुपर कंप्यूटर वो कौन सा है, प्रत्यूष। 61 का 4 जो है करेक्ट है। एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंप्यूटर, ये इसमें से आपको कुछ कंप्यूटर्स के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा इनमें से सुपर कंप्यूटर है। तो क्रे सीरीज एक, ये तो है ही सुपर कंप्यूटर है, ये भी सुपर कंप्यूटर है, तो ऑल ऑफ दीज जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडिया, इंडिया ने जो डेवलप किया है उसका नाम आपने बताना है। तो अभी तो हम पढ़ रहे थे यही कि परम जो है वो सीरीज इंडिया की है, तो परम युवा 2 जो है वो इंडिया का सुपर कंप्यूटर हो जाएगा इसमें से। अगला है 1991 में इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस सुपर कंप्यूटर नेम्ड डैश वॉज डेवलप्ड बाय विजय भटकर, विजय भटकर ने जो है 1991 में कौन सा पहला इंडिजिनस सुपर कंप्यूटर जो है इंडिया को दिया, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका परम 8000 आपका। तो इसके आविष्कारक आपको डेवलपर का नाम याद रखना है कौन है, विजय भटकर, और ईयर भी याद रखना है क्या है 1991, तो परम 8000 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। 64th का आपका 3rd बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से याद रखना। नेक्स्ट वन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग, देखिए फादर ऑफ कंप्यूटर हमने पढ़ा था कौन है, चार्ल्स बेबेज। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी हमने पढ़ा था कौन है, एलन ट्यूरिंग। तो एक बार रिवीजन के तौर पर जो है मैं आपको रिपीट कर देती हूँ साथ साथ ताकि आपको याद रहे, अब रिलेट करके जब आप पढ़ेंगे। तो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग यहाँ पे आपसे पूछा गया है 65th क्वेश्चन में, तो वो कौन है, वो है सीमोर क्रे। देखिए क्रे जो है आपने अभी पढ़ा था कि क्रे सीरीज जो है सुपर कंप्यूटर्स की है, तो आप थोड़ा सा हिंट आपको मिल जाता है, वो इन्हीं के नाम पर, इन्हीं के सरनेम पर है जो पढ़ा है। तो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग सीमोर क्रे को बोला जाता है। 65th में आपका 3rd जो है करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 66th की तरफ, इंडियाज फास्टेस्ट एंड फर्स्ट मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर नेम्ड प्रत्यूष वॉज अनवील्ड एट, आपको बताना है ये कहाँ पर जो है इस को अनवील किया गया है पहले। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं डायरेक्टली आपको बता देती हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में। तो प्रत्यूष जो है वो इंडिया का बहुत फास्टेस्ट एंड फर्स्ट मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है, तो इसका नाम भी वैसे पूछ लेंगे कि कौन सा है, तो वो प्रत्यूष है। और प्रत्यूष को जो है कहाँ पर पहले अनवील किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर आपका है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे के अंदर। अगले में है आपको ओड वन आउट बोला गया है, तो देखिए माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मिनी और डिजिटल कंप्यूटर, चार ऑप्शंस आपको दिए हैं। तो देखिए एनालॉग और डिजिटल मतलब वो चीज़ आपकी अलग हो जाती है,
जब अगर हम साइज़ के बेस पे कंपेयर करें तो आपके मिनी कंप्यूटर, माइक्रो, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर इस टाइप से होते हैं आपके, तो डिजिटल कंप्यूटर जो है वो इसमें से अलग हो जाएगा क्योंकि ये साइज़ के बेस पे क्लासिफिकेशन नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शंस जो हैं वो साइज़ के बेस पे क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट वन इज़ अ हाइब्रिड कंप्यूटर इज़ द वन हैविंग द कम्बाइंड प्रॉपर्टीज ऑफ। देखिए वैसे तो हाइब्रिड आपको पता है कॉम्बिनेशन से ही बना है वर्ड, तो हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो किस किस कंप्यूटर्स की किस किस टाइप की जो है प्रॉपर्टीज़ को कंबाइन करता है वो आपने इसमें बताना है। तो इसमें आपकी जो एनालॉग और डिजिटल जो कंप्यूटर्स हैं उनको कंबाइन करके आपका क्या बनता है, हाइब्रिड कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका 68 का करेक्ट है। कंप्यूटर सिस्टम विच डू नॉट रिक्वायर एनी स्टोरेज, जिसमें किसी स्टोरेज की ज़रूरत ही नहीं पड़ती वो आपको बताना है, उसको आप क्या बोलेंगे, एनालॉग बोलेंगे, डिजिटल, हाइब्रिड या थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स बोलेंगे। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन जो सही होगा, देखिए कोड्स अगेन यहाँ पर दिए हुए हैं आपके, तो 69th में जो है आपका एनालॉग इसका करेक्ट आंसर होगा। आप देखिए एनालॉग जो है सेकंड ऑप्शन पर है यहाँ पर, सेकंड का ई, तो मतलब एनालॉग जो है उनमें, एनालॉग कंप्यूटर्स में आपको किसी भी स्टोरेज डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 70th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डैश कंप्यूटर इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर विच इज़ यूज टू प्रोसेस इन्फॉर्मेशन विद क्वान्टिटीज यूजली यूजिंग बाइनरी नंबर सिस्टम। तो देखिए बहुत कॉमन टाइप का कंप्यूटर जो बाइनरी सिस्टम का यूज़ करता है वो आपका कौन सा है, वो आपका कहेंगे आप डिजिटल कंप्यूटर, तो सेकेंड इसका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 71st क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विच कंप्यूटर्स वर्क मेथड। कैलकुलेटर जो है वो किस पे काम करता है, वो डिजिटल मोड पे ही काम करता है आपका, तो इसका 71st का थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज मेनली रिलेटेड टू कन्वर्ट एनालॉग आउटपुट इनटू डिजिटल। एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, अभी हमने पढ़ा था हाइब्रिड कंप्यूटर। Which of the following is not the example of special purpose computer? Special purpose computer का क्या काम नहीं है, तो देखिए automatic aircraft landing तो है ही, multimedia computer, तो देखिए इसमें not an example of special, तो मतलब special purpose से जो design किया गया है तो उसमें word processor जो है उसका example नहीं है। Which type of computer is used in automatic aircraft landing? तो इसमें अभी हम पढ़ रहे थे ऑटो ऊपर, तो वहीं से इसका करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा कि स्पेशल पर्पस कंप्यूटर जो है इन दोनों के लिए यूज़ होता है, तो इसमें जो है आपका क्या हो जाएगा, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग। सबसे ज़्यादा जो है फास्टेस्ट आपको बताना है तो वो कौन सा है जो कि मतलब आपके ब्रेन की वर्किंग की, जैसे आपका ब्रेन वर्क करता है ऐसे ही इमिटेट करता है, वो ऐसे ही नकल करता है, मतलब इतनी ही फास्टेस्ट करता है और बहुत ही स्मॉलेस्ट इन साइज़ है वो, तो वो आपका क्या है, क्वांटम कंप्यूटर। तो इसी के साथ जो है बेसिक वाला जो ये सेशन था ये हमने कंप्लीट किया है। तो क्वेश्चंस की हेल्प से पता है करवाने को, तो हम आपको थ्योरी भी करवा सकते थे लेकिन क्वेश्चंस से क्या है कि आपको एक आइडिया आ जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और उससे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो मैं आपको साथ में एक्सप्लेन ही कर दूंगी। जहां पर कहीं ज़रूरत होगी कोशिश करेंगे कि थ्योरी क्लासेस में भी कुछ किया जाए एक्सप्लेन। तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की आपके लिए। तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और टेलीग्राम पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं क्योंकि हम आपको वहाँ पर भी बहुत कंटेंट प्रोवाइड करते रहते हैं पीडीएफ की फॉर्म में। तो वहाँ पर भी आप टेलीग्राम पर भी नवी क्लासेस से चैनल है, आप हमें वहाँ भी ज्वाइन कर लेना। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस और अपना सहयोग जो है आप बनाए रखना और आपका मोटिवेशन जो है हमें आगे सेट्स लाने को के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा आप व्यूज़ आएंगे और ज़्यादा आप लाइक करेंगे तो उसी से हम मोटिवेट होकर के ज़्यादा आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि आपको हमारा कंटेंट कितना सही लगता है, कितना अच्छा लगता है। तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करना और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।